नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति को सहयोग राशि दान में मोदी केयर में। नौतन संवाददाता त्रिलोकी राय नौतन प्रखंड के श्यामपुर कोतराहा पंचायत के लालजी यादव ने टोला के लोग अपने गांव से चंदा इकट्ठा कर कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के सहयोग के लिए 10,000 रुपए दान के रूप में केयर में भेजे। गांव के लोगों का कहना है कि हम लोग कमाते खाते ऐसे महामारी में दान करना चाहिए। भूतपूर्व सरपंच अनिल यादव जी का कहना है कि महामारी में दान करना मानव का परम कर्तव्य है। दिल्ली पब्लिक स्कूल के शिक्षक रमेश जी का कहना है कि शिक्षक जैसे शिक्षा देकर अच्छा राष्ट्र का निर्माण करता है, वैसे ही दान देकर। आप बताइए। ये भारत में जो महामारी फैल रही है, हम लोग सोचे जो है ग्रामीण जनता से कुछ चंदा इकट्ठा करते हैं, हम मोदी केयर में दे ताकि कुछ और हो। आप मैंने राशि कहाँ भेज रहे हैं? मोदी जी के पास माने जो कोरोना से संक्रमित व्यक्ति उनके सहयोग के लिए। आप अपना नाम बताइए। रामचंद्र यादव। अपने के जौन अति देनी है सहयोग राशि कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के, ये गांव से असूल के दिए, गांव भी सहयोग करता, गांव के भी लोग सहयोग के लेवा, और अपना तरफ से भी देनी है। अपना तरफ से भी देनी है। अच्छा, तो अपन नाम बताइए। राम नाम का परी अनिल यादव भूतपूर्व सरपंच। अरे भारत में जो कोरोना है उससे पीड़ित लोगों के राहत के लिए हम पंचायत राज श्यामपुर कोतराहा के सभी 5-6 मुख्य व्यक्ति यहाँ जैसे सहयोग राशि भेज रहे हैं पीएम जी के खाते। श्यामपुर कोतराहा के निवासी लोग हैं जो कोरोना से संक्रमित व्यक्ति को दान दे रहे हैं मोदी केयर में, और कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के लिए सहयोग कर रहे हैं ताकि वे अपना इलाज करा सके। चलिए हम बात कराते हैं रमेश जी। बताइए रमेश जी, यह दान किस लिए दे रहे हैं? यह दान जो है भारत में महामारी फैल रही है जिसके चलते हम लोग उस महामारी को हेल्प में दे रहे हैं।